फाइनली नाश्ता कराते हुए आज ज़र्निश को मैमें नज़र आ गईं और ज़र्निश विंडो में ही खड़ी हो गई, बल्कि बैठ गई हैं। ज़र्निश कहाँ गई हैं ये? ओ, एक एरी हमारे घर के नीचे। आपको अच्छी लगती हैं जी, आपको बहुत पसंद है। हाँ जी, बोलो बोलो। बहुत क्या, लेकिन बहुत पसंद है लेकिन अभी अल्फाजों को जोड़ना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा कि कौन से अल्फाज कहाँ लगेंगे। जी, व्हाट इज दिस? ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा की गुड बेटी। आपने अपना किचन सेट तोड़ दिया? आप रात को कहाँ गई थी? ज़र्निश कहाँ गई थी? ज़र्निश को नाश्ता कराने के साथ साथ मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और चाय पी रही हूँ। बिना मोबाइल के देख लो, बिना मोबाइल के नाश्ता कर लो। हैं? नहीं नहीं, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? ज़र्निश, ओह, किसने किया ये आपके? बहुत देर हो चुकी थी, उष्णा और अबू बकर नजर नहीं आ रहे थे, तो जब मैं कमरे में आई तो इन दोनों ने ये किया कि मेकअप बॉक्स में आके अपने चेहरे पे ब्लोशन लगाया जा रहा था। जब पूछा गया तो पता लगा कि अबू बकर के ज़र्निश और ज़र्निश अबू बकर के ब्लोशन लगा रहे थे। और जब मैं इनके पीछे पीछे भागी कि ये कहाँ गए हैं, घर में और भी काम हो रहे थे, कपड़े भी धुल रहे थे, तो अबू बकर ज़र्निश को वॉश बेसन पे लेकर आए और उनका फेस वॉश करा रहे हैं। किसने लगाया आपके, किसने लगाया? अबू बकर के आपने लगाया और आपने अबू बकर के। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, सबने खाना खा लिया था, उसके बाद अब हम ये बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन जा रहे हैं। ज़र्निश और अबू बकर ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी बच्चों को देखते हैं कि ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये जिद पकड़ लेते हैं कि हमें भी साथ जाना है। हम जब भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो वो इन दोनों से छुप के जाते हैं कि कहीं ये दोनों इनके पीछे ना लग जाएं। और फाइनली आज पीछे लगे गए, वैसे तो ज़्यादा ही पीछे लगते हैं। और ये रही उष्णा, माशाल्लाह से जब हम गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी के टायर की हवा कम थी, फिर गाड़ी के टायर में हवा भरी और फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को लेकर गए। रास्ते में बच्चों को बहुत सारी गायें दिखी, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बकरीद बहुत नज़दीक है,
तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हाय हाय। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चे भी बिल्कुल फैटअप हो जाते हैं, 2:30 बजे स्कूल से आते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद 3 बजे बच्चों के ट्यूशन है, फौरन जो है वो बच्चों को लेके जाना पड़ता है ट्यूशन, बच्चे ट्यूशन जाते हैं। क्या रूटीन है बच्चों की भी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों पर ये वक्त ना आया हो, लेकिन बच्चों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि जुल्म हो रहा है, जो कि हमारे पे भी हुआ था हमारे बचपन में। खैर आज पढ़ेंगे तो कल इंशाल्लाह उनके काम आएगी। और ये बच्चों को काऊ नज़र आई और बहुत ही मज़े से उसे देख रहे हैं। बच्चों का ट्यूशन आ चुका है, बच्चों को यहाँ पर उतारा। कोशिश करते हैं कि जब तक ना जाए, जब तक बच्चे ट्यूशन के अंदर दाखिल ना हो जाए, क्योंकि आजकल का माहौल वैसे ही ठीक नहीं है। घर आने के बाद शाम की तैयारी, खाने में बन रहा है आज बीफ कढ़ाई। हम लोग चूँकि फ्रीजर करके रखते हैं गोश्त को धोकर, तो अगर ये फ्रीज की करा हुआ गोश्त बीफ हो तो कोई मसला नहीं होता। वैसे भी इस पानी में ही पकता है। इसके अंदर हमने टमाटर डाले, लहसुन के डाले 2 टेबल स्पून, और ये बस अभी पकता रहेगा। 1 किलो गोश्त है। ऑयल कितना? अब इसको पकने को छोड़ देंगे जब तक ये गल ना जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर 1.5 कप जो है वो हम ऑयल का यूज़ करेंगे, वरना 1.5। बस अभी टमाटर जो थे वो 6 अदद है नॉर्मल साइज़ के। अब एक साइड के ऊपर कढ़ाई के लिए ये धनिया ले रही हूँ, साबित धनिया और साबित ज़ीरा। इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी और इसको हाथों की मदद से क्रश करके साइड पे रखूँगी। जब हमारी चिकन कढ़ाई बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो उसके ऊपर ऐड करूँगी। चम्मच चलाते रहें, अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ज़ीरा और धनिया जो है वो ब्लैक हो जाएगा। हमारी गोश्त की बूटियाँ ये टूट चुकी थी, ये पक चुका है, गल चुका है। अब इसको और मज़ीद अच्छे से भूनेंगे और इसके अंदर सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जा रहा है नमक, काली मिर्च है 2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्ची 2 बड़े खाने के चम्मच, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे कि ताकि इसका ऑयल रिलीज हो जाए। अब हम इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड करेंगे और इसको भी डाल के अच्छे से भूनेंगे। काश कि बनाते वक्त जल्दी बन जाते। ये जो हमने धनिया और ज़ीरा क्रश किया था हाथों की मदद से, अब वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक ले दी। अब इसे डिश आउट करेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे अपने।